सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रखा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड शो दैट देन शो दैट दैट साइन डी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन में 2। ठीक है, साइन डी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले हमें जो जिस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं हम सबसे पहले वैसे वैसे करना हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो ए है बी है सी है वो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी बना देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, जो एंगल ए बी एंड सी है वो इंटीरियर एंगल है, मतलब ए एंगल यहाँ पे है, बी एंगल एंड सी एंगल। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें क्या बोल रखा है कि ध्यान से देखो गाइस, जो एंगल ए है वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, सो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। सो ये एंगल तीनों के तीनों 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डी 180। ओके ओके, तो हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब गाइस हम क्या करेंगे, जो ये वाला हमने लिखा है इसको हम अपने इक्वेशन के साथ मैच करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन के साथ हमने मैच करना है कि, और गाइस ये जो है एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, ये प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब एंगल जितने भी हमारे एंगल थे उनका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। ठीक है, और ये सम जो है वो कितने के इक्वल हुआ, 180 के इक्वल हुआ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपनी जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है उससे हम जो अपनी जो हमारी कंडीशन निकाली है उसको हम मैच करेंगे। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि बी प्लस सी अपॉन में 2 है, इसके भी अपॉन में 2 है और इधर ए के अपॉन में 2 है। ठीक है, सो गाइस हम क्या करेंगे, ए को हम लेके जाएंगे 180 के पास। ठीक है, और बी प्लस सी को हम ऐसे कैसे रहने देंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए। ठीक है, बी प्लस सी 180 माइनस ए, ये हमने ऐसा कैसा कर लिया। अब हम क्या करेंगे गाइस, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि 2, देखो दोनों के नीचे नीचे 2 है, सो हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इस वाली साइड को भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इस वाली साइड को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो गाइस हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू 180 माइनस ए अपॉन में 2, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइस, जो ये वाली चीज़ है, मतलब इस चीज़ को एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस ए को एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 180 अपॉन में 2 माइनस ए अपॉन में 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों लिख सकते हैं। देखो बी प्लस सी अपॉन में 2 आ गया इक्वल्स टू 180 अपॉन में 2 माइनस ए अपॉन में 2। ठीक है गाइस, गाइस अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे सो गाइस हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि 2 एलसीएम लेंगे तो 180 माइनस ए आ जाएगा। सो 180 माइनस ए अपॉन में 2, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये तो आ गया हमारे पास बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू, गाइस यहाँ से 2 से 180 को काट दो कितना आ जाएगा, 90। सो बस क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए अपॉन में 2। ठीक है, सो गाइस इतना तो हो गया। अब इसके आगे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि अब इसके आगे करें तो करें क्या करें, यहाँ तक तो मैंने कर लिया, जो जो मुझको दिखा वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या बोला, अब हमें क्वेश्चन में हमने देखना है क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो बी प्लस सी अपॉन में 2 है इसके साथ साइन है और ए अपॉन में 2 है इसके साथ कॉस है। ठीक है, सो गाइस इसके साथ साइन नहीं है ना इसके साथ कॉस है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन, अगर हम ऐसे कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, हमारे पास बन जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, एक तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन
90 माइनस ए अपॉन में 2, ठीक है, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए अपॉन में 2, ओके। अब देखो गाइज, अब हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान से देखना, एक चीज़ को ध्यान से आप ऑब्जर्व करो कि जो साइन 90 माइनस ए है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है, एक कंडीशन नहीं बन रही है। कौन सी? ये वाली कि कॉस कॉस ए इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए, ठीक है गाइस। जो ये ए होता है ना, कुछ नहीं होता, ये होता है थीटा, हमारा एंगल। मैंने आपको बहुत ही पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इस चीज़ को बताया था, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, कि थीटा की जगह हम ए लिख सकते हैं, पी एच बी जो मर्जी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये ए है वो हमारा थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए, इस चीज़ को हमने पूरे को ए लेना है, ए अपॉन टू को हमने क्या लेना है, ए लेना है, ठीक है। सो गाइस, जो ये वाली कंडीशन है वो इस चीज़ से मैच कर रही है, साइन 90 माइनस ए। सो हम साइन 90 माइनस ए की जगह क्यों ना साइन कॉस ए लिख दें, ठीक है। सो हम अगर कॉस ए लिख देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 90 माइनस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में 2, क्योंकि हमारे पास ए की जगह क्या है, ए अपॉन में 2 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस ए अपॉन में 2। सो गाइस, ये देखो, ये हमारा हो गया प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ऑफकोर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसा है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही गाइस ईजी था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना आप इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट समझ रहे थे, ठीक है। सो ये तो हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 6।